अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों की जेब और सामान पर हाथ साफ करने वाले दिल्ली की एक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से यात्रियों के चुराए गए नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर इस गैंग में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ करने पर इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी कई जानकारियां मिल सकती हैं। ग्वालियर जीआरपी पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से झांसी दिल्ली के बीच चलने वाली सर्कुलेटिंग और रनिंग ट्रेनों में काफी समय से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं यात्रियों की चढ़ते और उतरते समय जेबों पर हाथ भी साफ किया जा रहा था। इसी के चलते जीआरपी पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया है। अभियान के दौरान जीआरपी के जवानों को सादा कपड़ों में जनरल बोगियों पर नजर रखने की हिदायत के साथ लगाया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देख रहे दिल्ली के 4 लोगों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ के बाद पता लगा कि यह लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अप एवं डाउन की ट्रेनों में वारदातों को अंजाम देते हैं। ज्यादातर यह गैंग यात्रियों के कोच में चढ़ते और उतरते समय पर या सामान को गायब करते हैं। पुलिस ने तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 40,000 रुपये नगद, सोने, बाली और अन्य सामान बरामद किया है। पकड़ी गई गैंग के सदस्यों का यह भी कहना है कि उनके सदस्य अस्थायी तौर पर विभिन्न ट्रेनों में चलते हैं और उनकी संख्या काफी है। यह लोग यात्रियों को टारगेट कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही उनकी जेब पर हाथ साफ कर देते हैं। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में एक व्यक्ति तेज वीर अधेड़ उम्र का है, जबकि अन्य बदमाश युवा हैं। यह लोग दिल्ली से झांसी के बीच चलने वाली विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों को अपना निशाना बनाते हैं। कुछ संदिग्ध लोग क्या है, यात्रियों को ब्लॉक करते हुए पाए गए, जिन पर नजर रखी गई। नजर रखने के बाद दूसरी ट्रेन में भी इसी प्रकार की, जब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तब हमने उनको पकड़ा और पकड़ करके थाने में लाए। थाने में लाकर इनसे पूछताछ किया तो अपना नाम जितेंद्र, वासीम, सुधीर व तेजवीर बताया। इनसे पूछताछ करने पर इन 5-6 ट्रेनों में चोरी करना कबूल किया, जिनको 6 प्रकरणों में गिरफ्तार कर इनसे कुल मसरूका 40,000 रुपये नकद व एक कान सोने की बाली इन चारों आरोपियों से अलग अलग प्रकरणों में जब्त की गई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।